हेलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत वाले करारे चटपटे आलू। देखिए कितने अच्छे बनते हैं ये आलू, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये आलू और इससे हमारे व्रत में पेट भी अच्छे से भर जाता है। देखिए अगर ये अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए इन आलूओं को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़े साइज के आलू। उनको मैंने उबाल कर छील कर काट कर रख लिया है। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज में काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं। मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ, घी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं तो इन आलूओं को बनने के बाद उसमें 2 चम्मच घी ऐड कर दें, जिससे कि उसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस घी को अच्छे से गर्म होने दें, गैस का फ्लेम हाई रखें। यहाँ मैं आलूओं में ऐड करने के लिए कुछ यहाँ पर थोड़े से मूंगफली के दाने भूनूंगी। इनसे इन आलूओं का टेस्ट 2 गुना हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलूओं में। देखिए यहाँ पर हम इन मूंगफलियों को थोड़ा सा भून लेंगे। जब तक हमारी मूंगफली भून रही है तब तक हम चलते हैं आलू की तरफ। देखिए ये हमारे आलू हैं कटे हुए। अब यहीं पर हम इनमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें काली मिर्च ज़्यादा ऐड करूँगी। और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच व्रत वाला सेंधा नमक, ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर नमक और मिर्च ऐड करने से हमारे मसाले अच्छे से मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारी मूंगफली अच्छे से भुन गई हैं, अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। एक बार इस तरह से मूंगफली डालकर जरूर बनाएं व्रत वाले आलू, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। देखिए इस घी में अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ और इसमें डालेंगे जो सबसे ज़रूरी है, जो इस आलू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है, वो है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनसे इनमें बहुत ज़्यादा तीखापन आ जाता है, जिससे कि हमें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन मिर्च को हम भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ये आलू। देखिए यहाँ पर ये मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। अब इन आलूओं को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू तो अपने घरों में व्रत जब होता है तो सभी बनाते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं ये आलू, जो कि आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। देखिए यहाँ पर इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे भुनी हुई मूंगफली के दाने। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इन आलूओं को 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे, जिससे कि इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। मुझे तो इसी तरह से पसंद है, आपको किस तरह से पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मैं इन्हें हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छे से चला चला के भून लूँगी। देखिए और इसको चलाएंगे, देखिए इनका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है, जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ पर ये हमारे आलू हो गए हैं बिल्कुल रेडी। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए कितने मज़ेदार बने हैं हमारे ये आलू। यकीन मानिए एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।